इसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि हम युति किसी से भी नहीं करेंगे। हम हमारा जो पैनल है ये सचिन देशमुख के नेतृत्व में ये चुनाव हमारा लड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। विशेष पदक ने एक को हिरासत में लेते हुए 5,30,000 रुपए के अवैध रेती के साथ सामग्री की जब्त। परभणी के कर्तव्याध्यक्ष एसपी जयंत मीना इनके विशेष पदक ने अवैध धंधों की जानकारी हेतु नानलपेट पुलिस थाने के हद में गश्त करते समय गुप्त जानकारी मिलने पर तारीख 1 दिसंबर 2021 बुधवार के रोज रात 11:30 बजे के दरमियान हर रोड के केनाल पुल के करीब आए हुए टिप्पर क्रमांक MEA 43U 3832 की विशेष पथक के PSI विश्वास खोले, पुलिस नायक अजहर पटेल, सैयद उमर, सैयद जाकिर अली इनके पथक ने छानबीन की और इस टिप्पर और अवैध रेती को लेकर आने पर दो ब्रास रेती की कीमत 30,000 रुपए और टिप्पर की कीमत 5,00,000 रुपए से कुल 5,30,000 रुपए की सामग्री जब्त करते हुए एक को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई नानलपेट पुलिस थाने की ओर से की जा रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभणी में सेटलमेंट की राजनीति चलती है, मनपा में विरोधी पक्ष नेता है क्या? मेरे पक्ष का एक नगर सेवक मनपा में नए होने के बावजूद 1 करोड़ का निधि दिया हूँ, मिले हुए मौके का सोना करना मेरी नीति है। परभणी की मनपा चलाने वाले दिग्गज नेता का ऊपर लेवल पर वजन नहीं होने के कारण अलग से फंड लाने में नाकाम हो रहे हैं। मेरा या मेरे पक्ष का भाजप से किसी प्रकार से कोई पक्ष से गठबंधन नहीं रहेगा। राजद मित्र मंडल प्रणीत पैनल बनाकर सचिन देशमुख के नेतृत्व में मनपा लड़ाई जाएगी। ऐसी जानकारी आज तारीख 2 दिसंबर 2021 गुरुवार के रोज दोपहर 12 बजे के दरमियान नीरज इंटरनेशनल होटल में संवाददाता सम्मेलन लेकर जानकारी दी। इस समय आजाद नगर सेवक फारूक बाबा, पूर्व नगर सेवक आहत खान, पूर्व नगर सेवक कलमे अन्ना, अलीम खाजी, रवि कांबड़े, वहीद पटेल, हारून भाई गुत्तेदार, भर साकड़े मामा, मुन्ना शेख, विजय मुंडे, अर्जुन खुफसे के साथ अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने न्यूज परभणी महानगर को दी मुलाकात में क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। आज परभणी के नीरज इंटरनेशनल होटल में राष्ट्रपा के विधायक एवं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष उसी के साथ यहाँ के रत्नाकर गुट्टे मित्र मंडल के सर्वसर्वा डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे जी हमारे साथ जुड़े हुए। 2 दिसंबर के रोज़ उन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन लिया, उसमें ये बताया कि महानगर पालिका के चुनाव पूरे ताकत के साथ तन मन धन से लड़ाए जाएंगे। इसके बारे में उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसके बारे में आइए हमसे प्रतिक्रिया देते हैं। सर, हम हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को ये बताइए कि आपने यहाँ पर लड़ने का जो मंसूबा बनाया है ये किस उद्देश्य से और किस मामले से लेकर बनाया है? प्रथम महानगर न्यूज को मेरा नमस्कार। ये लोगों की मांग है, यहाँ पर जो विकास जो नहीं हुआ, जो 40-50 साल में जो विकास नहीं हुआ उसकी वजह से लोगों का परिवर्तन करने की इच्छा है। और ऐसे में ये परभणी का हमने सर्वे किया था, उस सर्वे में टोटली 62% हमारे पार्टी को दिया था, हमारे को दिया था वोट कि ये परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन करने की इच्छा है जनते की, परभणी की, और ये विकास करना और परभणी का यहाँ पर जो हालत है आज, अपने रोड की हालत हो, चाहे अपना दुर्गंध की हो, नाली की हो, मतलब बहुत ही मतलब जैसा ये महानगर पालिका है ऐसा लगता नहीं है ये परिस्थिति आज, उसके वजह से हम एक ये महानगर को एक अच्छा खासा मतलब हम पैनल खड़ा करके सेवा करें परभणी जिले की, परभणी महानगर पालिका की, और एक सक्षम नेतृत्व हम देके इसका विकास करने की हमारी कल्पना है। सर, इस तरह के जो कल्पनाएं हैं यहाँ पर राष्ट्रवादी ने भी पहले की हुई है, अजीत दादा पवार इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर हम तुमको पानी की योजना देंगे और उसी के साथ साथ जो गटारी का योजना है उसको लेकर आज परभणी में पूरी रस्सी खींच चढ़ रही है। जो गटारी के लिए जो करोड़ों रुपये आने वाले उस पर सबकी निगाहें विकास की तरफ नहीं है, इस पर आपके क्या कहना है? नहीं, मैं आपको बताया ना, मैं ये बताने का यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि परभणी की जो हालत है आज इसी के वजह से ये हालत है। यहाँ का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व को ये जिले का विकास करना नहीं है कि ये महानगर पालिका का विकास नहीं करना है, शहर का विकास नहीं करना है। अगर विकास करना होता तो अभी तक आप जो बोला कि ये टेंडर की अवस्था ये है, गटर का टेंडर है या वाटर का, ये अभी तक डिसाइड किया रहता ना, टेंडर हो गया रहता, वो हुआ नहीं है। मतलब किसी को कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट होगा, इसके लिए हो नहीं रहा है। आपने जिस तरह बताया था कि मैं जेल में रहकर भी चुनकर आया हूँ, मैं जो अहम कर लेता हूँ, जो मान लेता हूँ वो ठान लेता हूँ और उसको करके बताता हूँ, इस तरह आज महानगर पालिका में आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं
अब हो सकता है कि आपके पास लक्ष्मी शस्त्र की वजह से जुड़ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो बोल रहे हो ऐसा थोड़ा भी उसमें सत्य नहीं है और तथ्य भी नहीं है। तो इसमें लोगों को परिवर्तन करना है, यहाँ के कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को परिवर्तन करना है, हर नगर सेवकों को परिवर्तन करना है। उसके दिल में एक परिवर्तन की एक लाट तैयार हुई है, इसके वजह से सब लोग एक गट्टा आके, एक सब लोग मिलके ये महानगर पालिका लड़ने की मूड में है और जनता उनको चुन के देने के मूड में है। सर, जिस तरह से आपने यहाँ पर नहीं होते हुए भी 1 करोड़ का बजट आपने जो है तो दिया हुआ है और उसमें जो है तो अच्छा खासा काम भी और अच्छे क्वालिटी से काम भी हो रहा है, लेकिन आपने जो तो एक ही विभाग में और एक ही प्रभाग में जिसको काम दिया है वो शिवसेना का नगर सेवक है, उसके बावजूद भी आपने जो है तो वहाँ पर 1 करोड़ का काम दिया, इसके रीज़न क्या आ सकते हैं? शिवसेना का नगर सेवक नहीं है मैं, हमारे मित्रमंडल के जिले के सरचिटनीस है मिस्टर रवि कांबड़े, उनको हमने वो फंड दिया हुआ है और वो काम कर रहे हैं और वहाँ हर एक प्रभाग में डालने के लिए हमारे हाथ में कोई सत्ता तो है नहीं है, लेकिन हम जो जितना फूल नहीं फूल की पाकड़ी जैसा बोलते हैं वैसा कुछ देने का है तो थोड़ा बहुत हमने दिया है। अगर हमारे साथ में, हमारे जब हाथ में सत्ता आ जाए, सत्ता जब आप परवने वाले हमको सत्ता दे, उस टाइम हम देखेंगे, आप देखो कैसा विकास होता है, क्या होता है, कहाँ पर सब वार्ड को मिलकर हम विकास करेंगे उसका। जिस तरह पिछले कार्यकाल में आपका बीजेपी से गठबंधन रहा है, उस तरह इस समय महानगर पालिका में भी या तमाम चुनाव में आपका गठबंधन कुछ ऐसा बीजेपी से जुड़ा रहेगा क्या, ऐसी चर्चा का माहौल है, इसके ऊपर आपका व्यूअर्स और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें आपका गठबंधन किस तरह से रहेगा? नहीं नहीं, आप देखिए पिछले टाइम में भी 2019 में भी चुनाव मैंने रासप का और हमारा चुनाव हुआ था, बीजेपी और शिवसेना का उम्मीदवार अलग खड़ा था, ये आपको मालूम है, और मैं रासप और मित्रमंडल का उम्मीदवार में था। और ये अभी का जो नगर पालिका परभणी का जो इलेक्शन है, इसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि हम युति किसी से भी नहीं करेंगे, हम हमारा जो पैनल है ये सचिन देशमुख के नेतृत्व में ये चुनाव हमारा मतलब लड़ेंगे और प्रस्तावितता के अगेंस्ट में लड़ेंगे, और ये पैनल पूरे पूरा हमारा सब 70-71 जो भी सीट है पूरे सीट वहाँ खड़ा करके हम ताकत से लड़ेंगे, इतना मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सर, ये बताया जा रहा है कि ये जो आपकी महानगर पालिका जो लड़ाने की जो झांकी है, ये आने वाले संसद चुनाव के लिए देखकर कुछ योजनाएँ बनाई जा रही है, ये बात को लेकर कितना सच है? नहीं देखिए, हर निवडणूक हम लड़ेंगे, वो ये निवडणूक से अगला फायदा, अगले से और आगे फायदा, ऐसा ये निवडणूक से होते रहता है। अभी महानगर पालिका के साथ साथ नगर पालिका के चुनाव, हाँ, तालुके के, वो किस तरह से लड़ रही है? नहीं, अभी यहाँ नगर पंचायत पालम की लगी हुई है, हम अकेले पैनल खड़ा किया हुआ है, वहाँ से लड़ रहे हैं हम, गंगाखेड़ की नगर पालिका आ रही है, वहाँ से हम अकेले लड़ने वाले हैं, वहाँ किसी से साथ युति हम करने वाले नहीं है। कुछ दिन पहले सचिन देशमुख, जिनके पास आपने जो था यहाँ की कमान दी है महानगर पालिका की, उन्होंने अपने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए यहाँ के उन कारोबारों को सामने उजागर किया है जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है, उस बात को लेकर आप विधानसभा में इस बात को लेकर येलो क्यू या फिर कुछ आवाज़ उठाएंगे? नहीं, इसमें देखिए जरूर जो सत्य जो हुआ है, मतलब सत्य जो सचिन देशमुख ने जब ये सवाल उठाए हुए हैं वो सत्य सवाल उठाए हुए हैं, उनके साथ में और उनके पीछे में खड़ा हूँ और उनके साथ में हूँ मैं, और ये जो जो हमको अगर उनके उनसे बात कर लूँगा मैं, बात करने के बाद में ऐसा लगता है हमको कि उसमें से कुछ इश्यूज हम विधानसभा में लेने चाहिए, जरूर उनसे बात करके वो हम सेटल करेंगे और खड़ा करेंगे। हमारा ये सवाल है सर, इम्पोर्टेंट आपके लिए, कि जो लोग दूसरे पक्ष के साथ, यानी कि भाई जिस तरह यहाँ के जो आपने बताया कि भाई आओ चोरो बांधो बांधा आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस तरीके की जो सत्ता यहाँ चलती है, कभी राष्ट्रवादी कभी कांग्रेस, अल्टा पल्टी चलती रहती है, इसके अंदर जो कार्यकर्ता आपसे जुड़ रहे, यहाँ की एक राजनीति ऐसी है कि उन पर केसेस किए जाते हैं, उन्हें इनसे आपसे वंचित कैसा रखा जाए, ये बात भी की जाती है, इस पर आप कितना सक्षम रहेंगे वो कार्यकर्ता के साथ? एकदम आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी अगर मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने थोड़ा भी अन्याय करने की अगर कोशिश किया तो हम उसका अच्छे तरह से हम उसका आंसर करेंगे, ये इतना ही आप इसके लिए इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपको। कार्यकर्ता आपसे बेफिक्र रहे? बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए, जब मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़ा है तो उसने बेफिक्र रहना चाहिए। बोला जिस तरह आपने अभी बताया एक बात कि भाई यहाँ के नालियाँ और जो गार्डन है
यहाँ गार्डन पर लाखों रुपये जो तो खर्च किया गया है, उसमें सचिन बाबू आपके साथ जो तो आज़ाद नगर सेवक जो चुन के आए हुए पब्लिक से, फारूक बाबा ये भी जुड़े हुए, यहाँ पर लाखों रुपये जो तो गार्डन के लिए दिए गए थे, वो गार्डन अभी तक यहाँ पर खाली नामो निशान को रह गए, इसके ऊपर क्या बात कहेंगे? नहीं, पब्लिक इसलिए तो चाहती है ना इसमें परिवर्तन करना, ये सब हुआ है इसके लिए पब्लिक, यहाँ की जनता, शहर की जनता पूरी इसलिए परिवर्तन करना चाहती है, उनको विकास दिखता नहीं है, विकास दिखना चाहिए बोल के परिवर्तन उनको करना है, और उसके लिए हम सक्षम आपको वहाँ पर सामने पैनल हम दे रहे हैं, सक्षम नेतृत्व हम दे रहे हैं। आखिरी सवाल सर आपसे कि आने वाले संसद में माधुरी जानकर ये रहेंगे या फिर रत्नाकर गुट्टे यहाँ से लोकसभा के लिए रहेंगे? ये अभी कहाँ से आपने लोकसभा लाया? अभी महापालिका है, महापालिका की बात कर लो आप, लोकसभा की जब बात आएंगे तब लोकसभा की बात करेंगे। ये थे हमारे साथ विकास विमुख विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे जी, जिन्होंने आज हमारे महानगर न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स को वो बताया है, और खुलकर जो महानगर पालिका लड़ने वाले हैं इस पर कोई दोहरा नहीं है, और आज आने वाले मामले को देखकर उन्होंने अपने सीट कितने लड़ाएंगे, उन्होंने ये बताया कि पूरे सीट उनके जो तो आज महानगर पालिका में लड़ने वाले, लेकिन चुनकर कितने आएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, और किससे गठबंधन करेंगे ये भी आने वाले समय में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.